हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। तो यहाँ जैसे हमने अभी क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था, ये वाला, तो यहाँ मैंने आपको दो सॉल्यूशन बताए थे। एक अगर आपका ये 3-4 मार्क्स में आता है तो, और अगर आपका सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आता है तो आपको इतना ही आंसर लिखना है। तो सेम यहां पर भी मैं आपको दो आंसर बताऊंगी। इसका आंसर अगर यही क्वेश्चन प्रूव दैट या शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6 आता है तो आपको क्या आंसर लिखना है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है तो आपको आंसर यहां पे क्या लिखना है। तो आप यहां पे देखो, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। 3 कंटिन्यू नंबर, लगातार वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3 हो गया, या फिर आप यहां पे देखो 2, 3, 4 हो गया, या 18, 19 और 20 हो गया। तो ये जो कंटिन्यू नंबर है, यानी आपने पहला नंबर कोई भी ले लिया तो दूसरा नंबर उसमें प्लस वन करने से आएगा और तीसरा नंबर दूसरे नंबर में प्लस वन करने से आएगा। तो ये इस तरह से हो जाए, जैसे देखो ये यहाँ पे मैंने 1 को n ले लिया तो दूसरा नंबर क्या आया मेरा, 1+1 आया, तो यहाँ पे दूसरा नंबर मेरा n+1 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर इसमें भी एक और ऐड करने से आए तो ये तीसरा नंबर आएगा, n+1 में फिर से +1 ऐड कर दो। तो मेरे 3 कंटिन्यू नंबर हो गए, n हो गया, n+1 हो गया और n+ यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो ये 3 मेरे कंटिन्यू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होंगे। इन तीनों नंबर का हमने प्रोडक्ट कर दिया तो क्या वो 6 से डिवाइड होंगे। तो आप यहाँ पे देखो, 2 के लिए तो मैंने आपको ये बताया था, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड है तो यहाँ पे एक ऑड एक इवन हमेशा रहता है। तो इवन नंबर है तो इनका प्रोडक्ट भी हमेशा ऑड इवन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इवन होता है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन है। तो 1, 2, 3 अगर इन तीनों नंबर को मैं लेती हूँ तो यहाँ पे देखो 3 × 2 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 6 से तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पे भी 2 × 3 6 हो रहा है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे 18 नंबर आ रहा है, 18 6 की टेबल में आता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि या तो एक नंबर यहाँ पे होगा जो 6 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर जो 6 से डिवाइड होता हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे उन नंबर के फैक्टर में 2 और 3 है तो वो वहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड होने की 2 ही कंडीशन है, या तो वो सीधा सीधा 6 से डिवाइड हो जाए, अगर सीधा सीधा 6 से डिवाइड ना हो तो जो भी नंबर यहाँ पे दिए हुए उनके फैक्टर में या तो 2 हो या 3 हो। अगर 2 और 3 होंगे तो मिलके 6 बना देंगे, 6 बना देंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही मैं यहाँ पे कह रही हूँ। जैसे मैं एक और नंबर यहाँ पे लेती हूँ, जैसे मैंने 13 ले लिया, 14 ले लिया और 15 ले लिया। अब इसमें आप देखो, 6 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, बट 14 का फैक्टर होता है आपका 7 × 2 और 15 का फैक्टर होता है यहाँ पे 5 × 3, ठीक है। तो ये देखो 2 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे है, तो 3 × 2 मिलके आपके 6 बन जाएंगे और 6 से तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ यही दो कंडीशन यहाँ पे मिलेगी कि 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर या तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, अगर वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है जैसे कि यहाँ पे कंडीशन है तो उन नंबर्स के फैक्टर में या तो 2 होगा या 3 होगा, यानी कि दोनों होंगे, 2 भी होगा और 3 भी होगा, तो वो मिलके 6 बना देंगे और वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो वी नो दैट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर n+1 एंड n+2 और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा n × n+1 × n+2। फिर वी नो दैट इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 नंबर ऑफ 3 मस्ट डिविजिबल बाय 6। हम यहाँ जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, 12, 13, 14 ले लिया, या फिर 18, 19 और 20 ले लिया। तो ये मैंने यहाँ पे 2 पेयर ले लिए, ठीक है। तो अब इस वाले पेयर में देखते हैं डायरेक्ट 6 से डिवाइड हो रहा है, और इस वाले पेयर में देखते हैं 6 से को यहाँ पे ये भी डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 13, 14 एक हम यहाँ पे ले लेते हैं 15, ठीक है। अब इसमें कोई 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, बट ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी। तो वी नो दैट इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर 1 नंबर ऑफ 3 मस्ट डिविजिबल बाय 6। अगर इन तीनों में से कोई एक नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो बात खत्म हो गई। अगर ये यहाँ पे एक नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो दूसरी कंडीशन है कि 1 नंबर इन तीनों में से कोई भी एक नंबर डिविजिबल होगा 2 से और कोई भी दूसरा नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तब वो दोनों मिलकर 3 × 2 6 होता है, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है।
है. तो हैंस द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ये तो हो गई हमारे, जब एक या दो नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे इस तरह से आंसर राइट करके बताना है. बट अगर यही क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे 3 या 4 मार्क में, तो आपको ये आंसर नहीं देना है, आपको आंसर लिखना है इस तरह से. तो ये अभी आप एक्सरसाइज 1.3, 1.4 में पढ़ोगे इसी तरह के क्वेश्चन. तो अब आपको यहाँ पे यहाँ लिखना है, लेट थ्री कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एन, एन प्लस वन एंड एन प्लस टू. इनका प्रोडक्ट ये हो गया. अब हमें नंबर्स बनाने हैं. अब डिविजिबल बाय 6 है, तो डिवाइजर आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा. तो यूक्लिड लेमा के अंदर आपको बी और बी की वैल्यू पुट करनी है, उससे आपके रिमाइंडर्स आ जाएंगे. तो ये आपके यूक्लिड डिविजन लेमा है, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की कंडीशन है कि वो 0 के इक्वल और बड़ा बट बी से छोटा होना चाहिए. तो क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ए इक्वल टू हमने यहाँ एन ले लिया, बी आपका 6 है, इस कंडीशन में पुट किया, तो 0 के इक्वल बट 6 से स्मॉल, तो ये नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो जब आप आर इक्वल टू यहाँ पे, तो एन इक्वल टू 6q+r हो गया, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया, ए की जगह एन रख दिया, बी की जगह 6 पुट कर दिया. अब आर की वैल्यू पुट करते रहो, 0 पुट किया तो 6q आ गया, 1 पुट किया 6q+1 आ गया, 2 पुट किया 6q+2, 3 पुट किया, तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर की पुट करेंगे तो यहाँ ये सारे हमारे नंबर्स आएंगे. अब देखो मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि b अगर 2 है तो 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ b इक्वल टू 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 नंबर मिलेंगे. अब आपके यहाँ पे 6 केस बनेंगे, ये n की वैल्यू आप एक बार आप 6q लेके इसमें पुट करो और चेक करो ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एक बार 6q+1 लो यहाँ पुट करो फिर से चेक करो, तो बहुत ये बड़ा आंसर यहाँ पे हो जाएगा. तो ये एक आंसर तो हम उसमें नहीं लिख सकते, मैंने 3 केस समझाए, 3 केस आप यहाँ पे सॉल्व करके देख लेना. तो केस फर्स्ट, जब n इक्वल टू 6q है, तो n की जगह यहाँ 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 पुट किया, तो 6q, 6q+1, 6q+2, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 मल्टीपल में होना चाहिए, तो 6 तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ मल्टीपल में, तो ये सारी वैल्यू मुझे यहाँ पे जो नहीं चाहिए उसको मैंने m ले लिया, यानी कि सिंपल फॉर्म में दिखाने के लिए कि यहाँ इस वेरिएबल के मल्टीपल में 6 है तो ये यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा. फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 6q+1 लिया, तो n की जगह पुट करो, n की जगह 6q+1, फिर इसकी जगह पुट किया 6q+1, +1 यहाँ पहले से, फिर 6q+1, फिर +2 कर दिया, सॉल्व किया 6q+1, 6q+2, 6q+3. तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीपल में कहीं पर भी ओनली 6 नहीं है, जैसे यहाँ पे आपका एक नंबर था, तो अब आप यहाँ पे कॉमन लोगे. कॉमन कैसे लोगे, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, बट यहाँ देखो 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया. अब यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया, तो 3 के टेबल में 6 आया यहाँ पे 2 टाइम, और 3 आया यहाँ पे 1 टाइम, ठीक है. तो ये आपका 2q+1 हो गया. तो इसी तरह से, तो 3 × 2 मिल के आपके ये 3 × 2 हमने आगे लिख लिया, और बाकी जो बचे हुए हैं सब यहाँ पे लिख लिए, ओके. तो ये सारे बच्चे आगे लिख लिए. तो जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट में दिखाने, उसको मैंने एक वेरिएबल ले लिया, तो ये सिंपल फॉर्म में दिख रहा है कि यहाँ पे ये 6 से डिवाइड है. फिर नेक्स्ट आपको बाकी सारे केस के लिए वैसे ही सॉल्व करना है. तो केस 3 में n इक्वल टू 6q+2 है, 6q+2 पुट किया, 6q+2 +1 हो गया, 6q+2 + यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पे सेम आ गया. अब सेम आपका यहाँ पे 6 मल्टीपल में नहीं है, तो आपको कॉमन लेना है, तो इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये 3q+1 हो गया. यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये 2 यहाँ पे 2q+1 हो गया, तो ये आपका हो गया, ओके. तो ये यहाँ पे ये वाला एज इट इज रह गया, तो 3 × 2 मिलके 6 हो गया, रिमाइनिंग को हमने यहाँ पे m ले लिया, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है. अब आप यहाँ पे 6q+3 लेना, फिर 6q+4 पुट करना, 6q+5 पुट करना, और ये सारा सॉल्व करोगे तो एवरी कंडीशन में 6 से वो डिवाइड होगा. तो फाइनल आंसर आप लिखोगे, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6 हो गया. तो ये तो प्रूफ हो गया, और वो आपको वहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट देना है, ट्रू है या आंसर आपका फॉल्स है, तो इस तरह से आपको आंसर राइट करके देना है. तो आई होप आपको दोनों आंसर, यानी कि अगर वो 3 या 4 मार्क में आता है तो कैसे सॉल्व करना, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपको ये अभी अच्छे से नहीं समझ में आया, तो एक्सरसाइज 1.4 में आप इसके सिमिलर बहुत सारे भी क्वेश्चन देखोगे, तो वहाँ आपको अच्छे से मैंने डीप में एक्सप्लेन किया. बट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 1 या 2 मार्क्स के आंसर के लिए आपको इतना ही लिखना है. तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.